दो मोबाइल इस घर से चोरी हुए हैं और साथ साथ 30,000 रुपए नकद यहाँ से चोरी हो चुके हैं। अरे मैंने अंदर आके देखे सारे सामान बिखरा हुआ था और यहाँ भी बड़े यहाँ भी देखा मैंने, तो दोनों उनके मोबाइल नहीं थे। फिर मैंने उन मोबाइल पे कॉल करके देखी है दोनों नंबरों पे, तो वहाँ सोचो पे कोसली अब लगातार चोरियों का गढ़ बनता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूँ अमित अमन। अभी मौजूद हैं कोसली के अंदर ही, और कोसली के अंदर जो आस्था कॉलोनी है वहाँ पे इस घर के अंदर चोरी हो गई है। घर है धनीराम सनोफ सरदार सिंह का, जो कि रहने वाले हैं खेड़ी रामगढ़ गांव के, लेकिन यहाँ पे ये रहते हैं और इसी घर के अंदर चोरी हुई है। कल रात चोरों ने इस घर के अंदर चोरी की है। घर वाले जो लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या क्या चोरी हुआ है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ के जो हालात हैं वो आपको दिखा देते हैं कि कैसे क्या यहाँ पे हालात बने हुए हैं और कहाँ कहाँ उन्होंने कोशिशें की हैं। यहाँ इधर अगर इस रूम के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो अलमीरा है वो खुली हुई आपको नज़र आएगी, और ये पूरा का पूरा जो सामान है यहाँ पे बिखरा हुआ था। अब तो ये सामान कुछ समेट भी दिया गया है, लेकिन पहले जब चोरी हुई थी तो पूरा का पूरा जो सामान था वो बिखरा हुआ था, और दूसरे कमरे के अंदर भी जाकर के उन्होंने कोशिशें की है। तो चलिए जो घर के लोग हैं उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे सब कुछ क्या हुआ था। सब कैसे क्या हुआ, नाम बताएं पहले तो अपना। सरदार सिंह जी, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? ये जी बाहर से पूरा सकल खोल के पूरा भीतर बढ़ गया है कि भीतर बढ़ गया पहले यू खोल रहे शायद जी, फिर मारते यार भोड़िया रोई है ना किलकी मारी है जमा भाग्य उस या सोचे भाई कोई ओपरी प्राइस है या मेरे से पिटगी मोबाइल रो लेके पर्स बच गयो, पर्स उठाऊ लगा ना जब जाएगी पर्स बच गयो। तो क्या क्या चोरी हुआ? दो मोबाइल 30,000 रुपया 30,000 रुपया और दो मोबाइल। दो मोबाइल तो क्या कहीं आसपास की किसी सीसीटीवी में नजर आ रहे हो वो लोग? ना जी, सीसीटीवी में कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा, नजर ना आ रहा। तो आपको किसी पे शक वगैरह हो या चोरों को किसी ने देखा हो? ना जी, शक तो मार तो कहीं पर भी। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा एक बार इधर जाकर सर आप बताएं, आप इनके बेटे हैं जी, जी। नाम क्या आपका? धनीराम सर। धनीराम जी आप बताएं क्या कुछ हुआ है कल रात में? सर कल 10:30 बजे मतलब 10 बजे करीब मैं यहाँ घर पे आया, अपने गांव जाया हुआ था, तो शाम को मेरी बाइक खराब हो गई, तो इस वजह से मैं लेट हो गया। और लेट होने के बाद मैं जैसे हॉर्न बजाया घर वाले ने, दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही बाइक में मगर लाइट दिखा, मैं बाइक को सही करने लग गया जी। तेल बगा रहे थे, मैंने तेल बंद कर दिया। उसके बाद में ये बोली यहाँ सो जाओ, मको मैं पापा के पास सो जाता हूँ, आप यहाँ सो जाओ। फिर ये कहने लगे कि भाई आप एक काम करो, ये दरवाज़ा खुला रखो। ये दरवाज़ा मैंने खुला रखा अपना और इनका खुला रखा, और इसका दरवाजे का हमें पता नहीं था, ये वैसे बंद कर रखा था लेकिन साकड़ नहीं थी इस पर, बाहर से गेट अंदर की साकड़ बंद थी और बाहर की बंद थी। उसके बाद में जैसे ही हमने करीबन आधा घंटा होया था बस सोए हुए, नींद गहरी थी, और उसी टाइम एकदम आवाज़ आई, तो इसका हाथ ऊपर से दिखाई दिया, तब हम उठ के भागे दोनों भाव बेटे। पापा ने दरवाज़ा खोल लिया, फिर हम लोग कोई है, इसने कहा कोई है आदमी है कोई, हम सोचे के दी गया पता नहीं, इसने बाहर से साकड़ लगा गया है जी। तब हमने जाकर देखा तो मोबाइल गायब थे। फिर मैंने तुरंत पीसीआर को कॉल की जी, पीसीआर को कॉल की, तो 3 बार कॉल करने के बाद में हमारा मोबाइल में कुछ मिस्टेक हो रही थी, छोटा मोबाइल था जी, तो वो 3-4 बार मतलब फोन करने के बाद में आई। बिल्कुल हाँ जी। तो जहाँ से आप लोग पैसे वगैरह चोरी हो रहे बता रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हालात थे अगर आप वहाँ पे बताना चाहें क्या कुछ था वहाँ? हाँ जी, वहाँ पे पूरा सामान है ये बिखरा हुआ था, पर्स वगैरह भी यहाँ पड़े थे। ठीक है, अब तो हमने जैसे मोबाइल के डॉक्यूमेंट ढूंढे हैं, तो ये थोड़े सामान आगे पीछे हो गया, बाकी सारा हालात थी यहाँ पे, सारा खंडा हुआ था, कपड़े वपड़े सारे यहाँ पे जी, सब कुछ यहाँ नीचे बिखरा हुआ, हाँ नीचे बिखरा हुआ था जी बिल्कुल। तो फिर क्या क्या कुछ चोरी करके ले गए? वो सर नकदी में तो 30,000 रुपए यहाँ पे रखे थे ऊपर, ठीक है, और दो मोबाइल हाँ जी, मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल थे, एंड्रॉइड मोबाइल जी। बिल्कुल, जो हालात थे वो आप समझ सकते हैं कि क्या रहे होंगे। और भी घर में जो शख्स है उनसे हम जान लेते हैं एक बार, क्या हुआ था आप बताएं, आप ही थे वहाँ पे? हाँ जी, मैं इस रूम में सोई हुई थी। क्या हुआ, नाम क्या आपका? कांता जी। आप बताएं क्या हुआ था, क्या कुछ देखा आपने उस समय? उस समय मैं और मेरी बेटी कमरे में सोए हुए थे, 10:30 बजे की बात है, मेरे घरवाले वहाँ से आए, गांव से आए थे,
तो वो बोले कि मैं पापा के पास हो जाते हूँ, आप दोनों यहाँ सो जाओ। मुझे ठीक है, मैं बोली कि आप दरवाजे की कुंदी मत लगाना, मुझे डर लगता है। तो इन्होंने कुंदी नहीं लगाई थी, इसीलिए थोड़ी सी पैरों की आवाज़ आई। मैंने रजाई में मुँह रख रखा था, तो मैंने जैसे ही उसने कदम अपने रखे तो मैंने उनकी आवाज़ सुनी कदमों की, तो देखा कि वो इस अलमारी के सामने कुछ ले रहा था। मैंने कहा कि आप अभी तक सोए नहीं हो जी। तो उसने कहा देख के, ऐसे देख के, और वो तुरंत भाग के इस कुंदी लगा दी इसकी जी। फिर मैंने जोर जोर से दरवाज़ा पीटा और फिर स्टूल पे रख चढ़ के पिताजी को और इनको आवाज़ दी। तब ये आए, इन्होंने कुंदी खोली और फिर बोला क्या हुआ क्या हुआ। मैं भाई कुछ है और पिताजी कुछ है यहाँ पर, एक आदमी था मैंने देखा है, उन्होंने नहीं नहीं कुछ नहीं। तो देखने लगे तो फिर वहाँ की भी साकड़ बंद और ये दरवाजा खुला था, इसकी लाइट बंद थी, तो देखा बाहर से बंद कर गए। हाँ जी, और ये भी बंद था और वो बैठक की थी वो भी बंद थी। तो हमने देखा कि अलमारी के सारे कपड़े लत्ते बिखरे हुए थे और पर्स भी की चैन खुली हुई थी, जो पैसे थे रखे थे कुछ सामान के लिए वे भी नहीं थे जी। हाँ जी, तो फिर हमने इसके पिताजी के पास छोटा कीपैड का फ़ोन है, वो फ़ोन हमने इस भाई के पास मम्मी के पास फ़ोन किया, तब ये आए हैं, इन्होंने दरवाजे खोली है और पीसीआर भी आई बाद में आई है। बिल्कुल, जो घटना है वो आप समझ सकते थे। आप लोगों को कॉल वगैरह किया गया तो आप लोगों ने क्या माहौल देखा था? इनको कॉल किया है मेरे पास करीबन 12 बजे के आसपास की बात है कि हमारी गलती ये वारदात हो गई, बाहर की कुंदी लगा दी है और कोई चोर था। तो मैं वहाँ से गुड़ियाँ रहता हूँ, मैं गुड़ियाणी से गाड़ी लेके भाग गया हूँ। यहाँ का देखा तो चौक और की कुंदी लगा रखी थी, इनकी कुंदी मैंने खोल ली है, फिर ये बात निकाली है मैंने। अच्छा, उस समय तक बाहर से सब कुछ बंद कर रखा था? बाहर से कुंदी लगा रखी थी, पीछे भी जब तक नहीं आई थी, पहले मैं ही पहुँच लिया था जी। मैंने आके कुंदी खोल ली है, फिर ये बाहर में निकाली। फिर अंदर आके क्या देखा? फिर मैंने अंदर आके देखी, सारे सामान बिखरा हुआ था और यहाँ भी बड़े यहाँ भी देखा मैंने, तो दोनों उनके मोबाइल नहीं थे। फिर मैंने उन मोबाइल पे कॉल करके देखी है दोनों नंबरों पे, तो वहाँ स्विच ऑफ है। अब सुबह ही वे ऑन हुए हैं, सुबह मैंने फिर ट्राई मारी तो ऑन हो गई, ये फिर ट्राई मारा तो उन्होंने फिर स्विच ऑफ कर लिया है फोन को जी। तो फिर आगे क्या कुछ कार्रवाई की? कोई सीसीटीवी वगैरह चेक किया हो, कोई और कुछ? सीसीटीवी कैमरे तो अभी चेक नहीं किया मैंने, तो मैं गया था, ये होटल था। पुलिस वगैरह ने किए चेक? पुलिस वगैरह में भी कोई चेक नहीं है। जो यहाँ के हालात है वो तो आपको पता ही है कि यहाँ पे चोरी हो चुकी है, 2 मोबाइल इस घर से चोरी हुए हैं और साथ साथ 30,000 रुपये नकद यहाँ से चोरी हो चुके हैं। तो अब इस घर के जो हालात है वो मैं आपको बता चुका हूँ। कल रात के समय में चोर घुसे और चोरों ने यहाँ से सामान चोरी किया, उसके बाद में घर के चारों तरफ जो भी दरवाजे थे उनको बाहर से कुंडी लगा करके चोर भाग गए और ये लोग यहाँ पे अंदर चिल्लाते रहे। चोरियाँ आसपास के इलाके में बहुत बढ़ रही हैं, कभी कहीं चोरी हो रही है और कोसली अब लगातार चोरियों का गढ़ बनता जा रहा है। ये काफ़ी समय से मैं आपको बोल रहा हूँ और हर जगह पे चोरियाँ लगातार हो रही हैं, लेकिन उनकी रोकथाम कहीं भी हो नहीं पा रही है। तो क्या ये सिलसिलेवार चीज़ें हो रही हैं या फिर जो चोर हैं वो सेम हैं या कौन है, और चोरी कि जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ना किस ओर संकेत करता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन प्रशासन कब इन चीज़ों पे संज्ञान लेगा? नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।